जिला अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को सीरियस बताकर उज्जैन के चरक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर रोहित चौधरी ने परिजनों से कहा कि मां के पेट में पल रहे बच्चे की पल्स कम चल रही है, जिससे मां और बच्चे की जान का खतरा है। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने किसी तरह की जांच नहीं की और न ही गर्भवती के पेट में पल रहे बच्चे की पल्स को चेक किया, लेकिन डिलीवरी महिला को सीरियस बताकर उज्जैन के चरक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जबकि गर्भवती महिला की डिलीवरी रास्ते में नॉर्मल ही हो गई। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं की कमियों की वजह से कई गरीब असहाय मजदूर लोग ठोकर खाते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आगर मालवा से विंध्य किरण के लिए रहमान कुरैशी की रिपोर्ट। मेरे को रेफर मिला था यहाँ से आगर से, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आगर से, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उज्जैन के लिए, चरक गांव के लिए रेफर मिला था। ये मेरे को ज़्यादा परेशानी होने लगी, ये मेडिकल कॉलेज के आसपास की डिलीवरी हो गई है। परिजनों ने बोला कि हम उज्जैन नहीं रखना चाहते हैं, हमको वापस हमारे गांव के नज़दीक अस्पताल शिफ्ट करवा दो, तो इनको वापस मैं आगर लेकर आया हूँ।